प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार वाराणसी आ रहे हैं, यानी कि तीसरे कार्यकाल में अपने संसदीय क्षेत्र का पहली बार पीएम मोदी दौरा करेंगे और इस दौरान वो किसानों से संवाद भी करेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और गंगा आरती में भी शामिल होंगे। किस तरीके से उनका कार्यक्रम रहेगा, इस पर बात करने के लिए वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और एमएलसी हमारे साथ मौजूद हैं, हंसराज विश्वकर्मा जी। हंसराज जी, प्रधानमंत्री जी का ये पहला दौरा होगा सरकार बनने के बाद, यानी कि मोदी 3.0 के बाद ये पहला दौरा होगा, किस तरह की तैयारी है, स्वागत की और क्या क्या कार्यक्रम होने हैं? हमारे वाराणसी के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जो अपने संसदीय क्षेत्र में नामांकन करने के बाद पहली बार आ रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं। सांसद तो हमारे है ही हैं, निश्चित तौर पर काशी की जनता उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है, गाजा बाजा फूल माला यहाँ आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बाबा काल भैरव, बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे और किसानों से संवाद करेंगे, किसानों के लिए जो कर रहे हैं और क्या उनके लिए होना चाहिए, संवाद में जो निकलेगा उसके लिए वो करने के लिए तैयार है। तो कितनी संख्या होगी वहाँ पर जहाँ पर ये संवाद कर रहे हैं? टारगेट रखा है कि 50,000 संख्या कर रखा है हम लोगों ने टारगेट। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे? हाँ, काशी विश्वनाथ जाएंगे, फिर गंगा आरती देखेंगे, उसके बाद फिर जैसा उनको उनका क्या दिशा रहेगा, क्या रहेगा आगे, उसे तो पेपर में दे रहा है कि चले जाएंगे, जरूरी भाई काम है, रह भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, बरेका में उनका एक स्थान रहता ही है। तो पूरी तैयारी हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की, अंतिम दौर में तैयारी चल रही है। चूंकि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात आ रहे हैं, काशी से वो तीसरी बार सांसद चुने गए हैं, ऐसे में रोड शो जैसा नजारा भी होगा, वाराणसी के एयरपोर्ट से लेकर के मेहंदीगंज जहां पर सभा होगी वहां तक, फिर वहां से काशी विश्वनाथ मंदिर तक और गंगा घाट तक। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।